हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम हो चुकी है, तकरीबन 5 बज चुका है। तो मिल्क को मैंने बॉईल कर लिया है। और इधर कल जो मलाई निकाली थी ना, आपने मलाई से मक्खन निकाला था, तो आज मैं उसको गर्म कर रही हूँ, यानी कि देसी घी बना रही हूँ। इसको गर्म करेंगे तो देसी घी निकल आएगा हमारा। और तो फिर दिखाते हैं आपको जब घी हमारा तैयार हो जाएगा। घर का घी बनाए हुए की बात ही कुछ और होती है। मार्केट का इतना अच्छा नहीं लगता जितना आप घर पर बनाएंगे, वो अच्छा लगेगा। तो मैं बना लेती हूँ, मलाई अगर इकट्ठी हो पाती है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी। तो फिर जब घी बन जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं। आज खाने में बनने वाला है मेरा फेवरेट, अभी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप देखिए, ये घी है, ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं, ऐसे घर में घी निकाला जाता है एकदम, ये शुद्ध देसी घी है। और आज खाने में बनने वाला है ये मशरूम, मुझे बहुत पसंद है। इनको इतना नहीं पसंद है पर मुझे पसंद है, तो मेरे हमारे लिए आते हैं, वो भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। और ये मशरूम, और ये मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पीस लिया है। प्याज मैंने नहीं डाला है क्योंकि प्याज खत्म हो गया था, इनसे कह दिया है ये लेते आएंगे। पर आज मैं बिना प्याज के बनाऊँ, बिना प्याज की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, मैंने कई बार बनाई है। तो फिर चलिए बनाते हैं। तो ये हमने निकाल लिया है हमारा देसी घी, छान लिया है मैंने इसको। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन। घर पे बना देसी घी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये कढ़ाई मैंने धुल ली थी, अब हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की सब्जी। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली डेली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे से। मैंने उसमें मसाला डाल दिया है, अभी थोड़ा सा किचन किंग डाला है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डाल दिया। एकदम से हम नहीं पका लेंगे, जैसे कि हल्की हाथ पे कुछ भुनना है, उसके बाद ही हम उसमें मसाला डालेंगे। मसाला जब अच्छे से नहीं पकेगा तो टेस्ट नहीं आएगा उसका। गैस मैंने कम रखी है, देखिए बिल्कुल कम पे है। मसाला पक जाने के बाद मैंने मशरूम डाला है, उसके बाद पानी डाल दिया है। जितना आपको रसा रखना है उतना पानी डाल सकते हैं, मैंने कम डाला है क्योंकि थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाएगा रसा। देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। ये आ गए, ये उनके लिए गर्म पानी, और ये आंवला लेके चलते हैं। कहाँ हो? लो। पे बनाने लगी हूँ मैं रोटी। इसलिए मैं पहले ही खाना बना लेती हूँ क्योंकि काम मालूम ये ऑफिस से आए तब इनको भूख लगी हो, फिर मैं नहीं चाहती कि इनको वेट करना पड़े 1-2 घंटे। इसलिए सब्जी मैं पहले ही बना लेती हूँ, आटा भी गूंथ के रख देती हूँ और इनसे पूछ लेती हूँ, अगर भूख लगी हो तो तुरंत रोटी बना देती हूँ। तो रोटी मैंने बना ली है, बहुत ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाई हैं मैंने, फटाफट से इनके लिए खाना निकाल लेते हैं। तो ये खाना मैंने निकाल लिया है इनके लिए एकदम गरम गरम। ये इनकी रोटी में मैंने घी लगाया है, मैं घी नहीं खाती। और ये सब्जी, ये चावल। तो चलिए इनको देते हैं चल के खाना। खाना ला रहे हैं, ले आए रजाई हटा दो। खा लेना, गरम है। हाँ तो सब्जी कैसी बनी थी? अच्छी। बिना प्याज की बनी थी तब भी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। खा रहे हैं चावल। देखा होगा कि मैंने बताया था कि मुझे कल यानी कि संडे को जाना है जरूरी काम से, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी।
तो जाना तो वैसे पति देव जी के साथ था, पर उनको ज़रूरी काम ऑफिस का था तो उनकी ड्यूटी लगी थी तो उनको जाना पड़ा, तो वो जा चुके हैं। और तकरीबन 11 बजने वाला है, तकरीबन 11:30 बजे मुझे भी निकलना है। और कहाँ जाना है ये हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। और अकेले अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि वो भी जाएंगे मेरे साथ में, पर कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फैमिली के साथ हम लोग रहते हैं तो एक सपोर्ट रहता है कि चलो पतिदेव नहीं है साथ में तो किसी को, सासू माँ को, ननद को, या जिसके देवर होते हैं देवर, या किसी को साथ में ले जाते हैं। पर मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, तो वैसे मायका तो मेरा यहीं है पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर यहाँ से मैं घर जाऊँ, फिर घर में टाइम पे पता नहीं रेडी होंगी मम्मी की नहीं होंगी, और फिर अच्छा नहीं लगता है। किसी को कुछ काम हो उसमें फिर अपना काम बताओ कि नहीं मेरे साथ ही चलना है, तो ज़्यादा ठीक रहता है। अगर आपको कंफर्टेबल रहता है तो अकेले ही जाना ठीक है मेरे हिसाब से, मेरे लिए। पर सबका अपना अपना होता है, पर मैं अकेले चली जाती हूँ क्योंकि हरदोई में मैं बचपन से ही रही हूँ तो इतना मुझे डर नहीं लगता है, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं अकेली चली जाती हूँ क्योंकि कभी कभी इनको ऑफिस में इतना सारा काम होता है कि घर के कुछ छोटे मोटे कामों के लिए इनके पास वक्त नहीं होता है। और मैं इनको बहुत ज़्यादा फिर फोर्स भी नहीं करती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। दिन भर वो ऑफिस में काम कर मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर ऊपर से मैं बताऊँ कि ये लाना है, वो लाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो अगर हो सकता है तो वो काम मैं खुद ही कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। बाकी अगर मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं इनसे कहती हूँ तो ये वो कर देते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी हेल्प करूँ ताकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना रहे किसी चीज़ का, कि ये काम मुझे ही करना है, करना है ये कह के। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर के छोटे मोटे काम जो हैं, जैसे कि कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह है ये लाना वगैरह है, तो ये मैं खुद ही ले आती हूँ। अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं तो उधर से ले आते हैं। सब्जी वगैरह का अगर ठेला मुझे मिल जाता है तो वो भी मैं ले आती हूँ सब्जी, तो मैं इनको बता देती हूँ, तो फिर इनको नहीं लाना होता है। तो बाकी सब ये तो लाइफ है, ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं उतना अपने आप ही काम करूँ, इनको ज़्यादा परेशान ना करूँ। तो आज संडे है पर संडे संडे जैसा मेरा कभी नहीं रहता है। मतलब मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि आज संडे है तो आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे इनके साथ वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाती हूँ क्योंकि कब इन फ़ोन आ जाए, उनको जाना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए आज संडे है और इनको जाना पड़ा ऑफिस, कोई बात नहीं, हाँ अकेले चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। और कई बार मैं अकेले भी जाती भी हूँ और इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जा लेती हूँ तो फिर चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भी ठीक लगता है, फटाफट से तैयार हुए, अकेले चले गए, कौन सी बड़ी बात है। तो फिर टाइम हो रहा है तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे लौट के आके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ आते हैं मेरे कोई कोई वीडियोस पे, हज़ार हज़ार व्यूज़ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, उसमें पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। तो मेक श्योर कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे डेली वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करिए, एक लाइक से आपके हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, और साथ ही साथ शेयर भी करिए, और ढेर सारे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है। तो फिर तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर में मुझे निकलना है। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बिल्कुल अभी मैंने बर्तन धुले, टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा मैं ताज़ा पानी भी नहीं चला सकती थी क्योंकि रात के बर्तन मैंने धोए थे, तब टंकी भरी थी तो टंकी पूरी भरी है, तो अगर चलाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा तो फिर निकलेगा पानी, इसलिए मैंने टंकी भी नहीं चलाई ताज़ा पानी के लिए। इतना ठंडा पानी हो रहा था कि बिल्कुल हाथ सुन्न हो गए थे कतई। मैं बर्तन धो रही थी, थोड़े फिर से गैस जला के हाथ अपने सेक रही थी, फिर बर्तन धो रही थी, फिर हाथ सेक रही थी, भी ऐसे ही चल रहा था। मैंने सोचा बर्तन तो धुलने ही हैं, फिर आ करके वापस फिर आलस आ जाता है, तो मैंने सोचा जो काम है वो छोटा मोटा वो करके ही जाऊँ मैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा नहीं पड़ रहा है पर बादल है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और अच्छे से वे कपड़े वपड़े पहन के ही इस समय बाहर जाना चाहिए, तो मैं जैकेट वगैरह पहन लूँगी और कैप भी लगा लूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। मेरी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी एक हफ्ते पहले, तो तब से मैं काफ़ी डर गई हूँ, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं इस समय करनी चाहिए, ठंड से बचने के लिए जो हो सके वो करना चाहिए, कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहन के बाहर जाएं। और सब लोग अपना ध्यान रखें इस समय ठंड में, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही और फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस समय तो काफ़ी बेटर फील हो रहा है, खांसी काफ़ी कम हो गई है, लगभग जा ही चुकी है खांसी, तो इसीलिए मुझे और डर लगता है कि कहीं फिर से लापरवाही ज़रा सी ना हो जाए और फिर से तबीयत ख़राब हो जाए।
क्योंकि सर्दी जुखाम बुखार में बहुत दिक्कत हो जाती है बिल्कुल। तो अच्छे से ही मैं कवर अप करके जाऊंगी खुद को। तो फिर चलिए चलते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने लगा ली है कैप, मास्क। मास्क तो एक समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फटाफट से सारा डालते हैं, चलते हैं। ताला।